हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, जैसे वी ऑल नो, फेस्टिवल सीजन बस आ ही गया है एंड काफी लोग प्लान करते हैं इस टाइम पे नई नई कार परचेस करने का। कुछ लोग अपनी फर्स्ट कार प्लान करते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अपनी पुरानी कार को अपग्रेड करके नई कार लिया जाए। एंड आज के टाइम पे करंटली बात करूं तो सारे जितनी भी कार्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपने अपनी कार्स के प्राइस ऑलरेडी बहुत बढ़ा दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो कोई नई कार परचेस करने का, तो कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो जब भी आप प्लान करो नई कार परचेस करने का। तो मैं आज की वीडियो में आपको दो ऐसे ऑप्शन बताऊंगा जो डेफिनेटली वर्क करते हैं एंड जिनके थ्रू आप काफ़ी पैसा बचा सकते हो जब भी आप एक नई कार प्लान कर रहे हो। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से दो मेथड हैं जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और आपको भी करने चाहिए जब भी आप एक नई कार परचेस करने का प्लान कर रहे हो। तो ये जो दोनों मेथड है ये 100% वर्क करते हैं। तो पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कभी नई कार प्लान कर रहे हो तो डीलर्स के पास ना दो ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे वो अपना मार्जिन रखते हैं एंड आपको उन्हीं दो पॉइंट्स में से अपने लिए मैक्सिमम डिस्काउंट निकालना है। तो वो जो दो पॉइंट्स हैं उनमें से सबसे पहला पॉइंट आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो ऐसा सेक्शन है, जब भी आप ब्रेकअप देखोगे अपने प्राइसिंग का, कार की प्राइसिंग का, तो उसमें एक इंश्योरेंस ऐसा सेक्शन है जहां पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो और ये आपको हमेशा देखना चाहिए गाइस। फॉर एग्जांपल की बात मैं आपको बताऊं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक नई कार जिसका एक्स शोरूम 9 लाख आता है, उसमें आपको अगर आप उनके ब्रेकअप लिस्ट में देखोगे तो अराउंड 35,000 का आपको इंश्योरेंस दिखता है। एंड अगर वही इंश्योरेंस अगर आप बाहर से ट्राई करोगे लेने का, तो वो आपको बाहर से कहीं ना कहीं 23-24 हज़ार का पड़ जाएगा। तो आप 10-12 हज़ार का तो सीधा डिस्काउंट आप वहां से निकाल सकते हो। मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा कि आपको इंश्योरेंस बाहर से लेना चाहिए। आप अपने डीलर्स को बोल सकते हो कि मैं इंश्योरेंस बाहर से ले रहा हूं, आप मेरी कोटेशन मैच करा दो। अगर आपकी कोटेशन आपका डीलर मैच करा के दे देता है तो वेल एंड गुड, आपको बेटर रहेगा कि आप शोरूम से ही लो। बट इफ इन केस अगर नहीं करता तो आप किसी भी ट्रस्टेड साइट से जाके ये इंश्योरेंस परचेस कर सकते हो, बिकॉज शोरूम भी कहीं ना कहीं एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में। एंड वही मीडिएटर का रोल आप अगर थर्ड पार्टी कहीं से लेते हो तो वो रोल वो प्ले करेंगे। तो एक इंश्योरेंस सेक्शन है जिसमें से आप काफी डिस्काउंट निकाल सकते हो और आपको निकालना भी चाहिए। बट इंश्योरेंस बाहर से लेते समय इस बात का जरूर ध्यान दें, आप जो भी कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हो वो एक ट्रस्टेड कंपनी होनी चाहिए। उनका सेटलमेंट रेशियो वगैरह आप देख लें। किसी भी थर्ड पार्टी रैंडम आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस मत उठाइए, आप एक ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनी का ही इंश्योरेंस लीजिए। एंड सेकंड थिंग, आप जब भी अपना इंश्योरेंस प्लान करें तो उसमें कुछ एड ऑन्स हैं जो आपको हमेशा कराने चाहिए, जैसे इंजन प्रोटेक्शन कवर, RTI एंड ये सब चीजें आपको अपने ध्यान रखना है कि आप अपने इंश्योरेंस में जरूर ऐड कराएं। एंड ये ऐसा सेक्शन है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, इसमें आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा एंड आप इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट निकाल भी सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि न्यू कार्स आई होती है, न्यू लॉन्च्ड कार होती है एंड डीलर्स बोलते हैं, और नॉर्मली ऐसा होता भी है कि न्यू लॉन्च्ड कार में आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाते, बट फिर भी ये ऐसे सेक्शन, जो दो ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे दो ऑप्शन है जो आप न्यूली लॉन्च्ड कार में भी अप्लाई कर सकते हो, उनमें भी आप डिस्काउंट निकाल लोगे। कम से कम यार गए से गया आप 15,000 रुपए का तो डिस्काउंट आराम से ले सकते हो। तो गाइस ये चीजें हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया इंश्योरेंस, जिससे आपको हमेशा अपने शोरूम वाले से, अपने डीलर से बार्गेनिंग करनी है एंड इंश्योरेंस से आप मैक्सिमम डिस्काउंट निकाल सकते हो। सेकंड जो पॉइंट है वो कई लोग नोटिस नहीं करते एंड मेजॉरिटी वो जो सेकंड पॉइंट है वो उन लोगों के लिए आता है जो लोग अपनी कार फाइनेंस कराते हैं। अगर आप अपनी कार फाइनेंस करा रहे हो तो ध्यान रखो, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो कि जो आपको शोरूम प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करके वो इंश्योरेंस मत, वो लोन मत ले लो वहां से। तो हमेशा ध्यान रखो, जो जब भी आप फाइनेंस करा रहे हो कार, जो भी आप लोन करा रहे हो, तो जो इंटरेस्ट रेट आपको शोरूम बताता है ना, शोरूम वाले, उसमें आप ध्यान रखना, कभी भी इसको रिकन्फर्म करना बैंक के साथ, जो बैंक की तरफ से दिया जा रहा होगा इंटरेस्ट रेट और जो शोरूम आपको बता रहा है उसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा एंड वही डिफरेंस जो होता है वो डीलर की कमीशन होती है।
तो वहां से भी आप अपने लिए मार्जिन निकाल सकते हो। बेटर रहेगा कि आप पहले बैंक से कंफर्म करो कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। सीधे जाके ब्लाइंडली हम नॉर्मली लोग ऐसा ही होता है कि हम शोरूम के थ्रू ही लोन करवा लेते हैं, उस चीज पे ध्यान रखो। आप कभी भी लोन अप्लाई कर रहे हो तो बेटर रहेगा कि आप बैंक से भी रिकन्फर्म करो कि आपको किस इंटरेस्ट रेट पे वो लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज उसमें भी आपको कुछ मार्जिन आपको दिखाया जाएगा जो कि डीलर की कमीशन ही होती है बेसिकली। जैसे आप देखोगे शोरूम्स में आपको कई बैंक रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे जो कि लोन ऑफर आपको कर रहे होते हैं, तो बेसिकली यार वो उन लोगों की कमीशन होती है शोरूम वालों की। तो आपका, मैं कहूंगा आपके लिए बेटर रहेगा कि आप एक बार रिकन्फर्म कीजिए कि जो इंटरेस्ट रेट आपको बैंक प्रोवाइड कर रहा है और जो शोरूम आपको बता रहा है क्या वो सेम है। हमेशा शोरूम की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट बताए जाते हैं उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन होता है शोरूम वालों का। तो ये दो पॉइंट्स हैं यार जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जब भी आप नई कार परचेस करो। इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू आप नई कार में भी, जो न्यूली लॉन्च कार होती है उसमें भी डिस्काउंट ले सकते हो। ऑल्दो जो बाकी स्कीम्स चलती हैं, कोई फेस्टिवल सीजन स्कीम चलती है या कोई डीलर स्कीम देता है या कोई मैन्युफैक्चरिंग आपको स्कीम दे रहा है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट ये दो पॉइंट्स हैं, इसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट इसके थ्रू ले सकते हो। एंड एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक्सचेंज अपनी कार करवाते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आप एक्सचेंज करा रहे हो कार एंड जो कार आप नहीं ले रहे हो, उन दोनों की जो डील्स है ना वो उसको सेपरेट ही रखना, उनको मिक्स मत करना गाइस कभी। तो ये नॉर्मली होता क्या है कि जब भी आप इनको मिक्स करते हैं ना तो वो आपको घुमा फिरा देंगे शोरूम वाले और उसी में से आपका सारा मार्जिन वो निकाल लेते हैं। तो अगर आप कोई कार एक्सचेंज कर रहे हो तो ट्राई करो कि उसकी जो डील है वो सेपरेट रखो एंड जो नई कार ले रहे हो उसकी डील जो रखे है वो सेपरेट रखो। तो ये सब चीजें पॉइंट्स का आप ध्यान रखना तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट अपनी नई कार में ले सकते हो। ये दोनों पॉइंट्स हैं एंड जो एक्सचेंज का पॉइंट है, ये तीन चीज हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप एक न्यू कार प्लान कर रहे हो। एंड आई होप ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे। मैं ये चीज फॉलो करता हूँ एंड बहुत जल्दी मैं आपके लिए गुड न्यूज लेके आने वाला हूँ। आपको बहुत जल्दी इस चैनल में और अच्छा न्यू कंटेंट मिलने वाला है, तो बने रहो इस चैनल में। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।